हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र अकेडमी पर। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो 15 तारीख को है। और इसमें मैं दूंगा आपको कुछ टिप्स जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के एग्ज़ाम के टाइम फॉलो करनी है, ठीक है? तो जो टिप्स हैं वो टिप्स क्या, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक्स क्या करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टिप्स क्या हैं। एक्चुअली होता क्या कि काफ़ी बार ऐसा होता है, आपने देखा देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि एसएससी सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, इसमें गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, इसकी वजह से हमें मिलता है 0 मार्क्स, ठीक है? और अनफेयर मीन्स के थ्रू हम लोगों की कॉपी नेगलेक्ट कर दी जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या है वो मिस्टेक्स और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सीएचएसएल की कॉपी का प्रारूप कुछ कुछ ऐसा होता है टीयर 2 का, इसमें निबंध और पत्र का आपको दिया होता है, ठीक? अब इम्पॉर्टेंट बातें क्या है कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नेम, यहाँ देखिए जरा कॉर्नर पे, थोड़ा वैसी कॉपी है मेरे पास, नेम का ऑप्शन आता है यहाँ पे। करेक्टली आपको अपना नेम फिलअप करना, याद रखिए करेक्टली फिलअप होना चाहिए, नहीं तो अनफेयर मीन्स के थ्रू आपको कर दिया जाएगा नेगलेक्ट और मिलेंगे आपको 0 मार्क्स। और दूसरा काम है आपका अनुक्रमांक, ठीक है? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और सब लोग जानते हैं, फिर भी ये मिस्टेक्स होती हैं और 0 मार्क्स मिलते हैं। और एक जो सबसे यहाँ पे आपको LTI मतलब लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक? पिछली बार एक बच्चे को 0 मार्क्स दिए गए थे क्योंकि उसका जो यहाँ पे जो होता है कच्छ नीचे इन्विजिलेटर के साइन नहीं थे, इसलिए उसको 0 मार्क्स दिए गए थे क्योंकि उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो इस आप समझ सकते हैं इस छोटी सी चीज़ के पीछे भी मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो ये बेसिक सी बात है कि आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि मिस्टेक्स ना हो, ये मिस्टेक नहीं करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा होती है लोगों से, वो होती है ये यहाँ पे जो है लैंग्वेज सिलेक्शन। जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है उसी लैंग्वेज को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है? दूसरी बात, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग जल्दी जल्दी अपना लिख लेते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज डालना भूल जाते हैं। और अगर यहाँ पे आपने लैंग्वेज नहीं डाली हुई है तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए मार्क्स 0 आने वाले हैं, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको तैयार रखनी है, ठीक है? आप देख सकते हैं पिछली बार के जो यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने, सॉरी थोड़ा थोड़ा डल है, लिखा हुआ है रिजेक्टेड रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ पे कैंडिडेट ने सही नहीं डाला या गलत डाला या फिर और किसी का डाल दिया है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है तो 0 मार्क्स दिए गए, ये मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनफेयर मीन्स मतलब क्या है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी शो करना। यहाँ पे आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर दूँगा आपको कि अपना पर्सनल आइडेंटिटी शो नहीं करनी है किसी भी कीमत पे, कोई स्पेशल कोड, कोई स्पेशल सैम्बल, कोई भी स्पेशल लैंग्वेज आप लिख दें, आप कुछ स्पेशल ऐसा सैम्बल बना दें, अपना नाम लिख दें, रोल नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, पता, फ़ोन नंबर, कुछ भी, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है। ये जो लिस्ट है इसे आप पढ़िए, समझ लीजिए कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से 0 मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहला है WS, ठीक है? यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, डिग्नेचर सिग्नेचर होना चाहिए, सॉरी WS है विदाउट सिग्नेचर। जब आपने सिग्नेचर नहीं किए हो अपनी कॉपी में तो आपका आपकी कॉपी विदाउट कर दी जाती है, अनफेयर मीन्स के थ्रू आपको दिए जाते हैं 0 मार्क्स। यहाँ पे विदाउट सिग्नेचर, दिस इज नॉट डिग्नेचर, मिस्टेक है ये मेरी। दूसरा है RN, यहाँ पे अक्सर ये होता है RN मतलब मिसिंग रोल नंबर, RN मीन्स रोल नंबर। तो रोल नंबर इसमें मिस हो सकता है, मतलब आपने नहीं डाला है, या रॉन्ग डाला है, या इनकम्प्लीट डाला हुआ है, ठीक है? ये तीनों चांस में आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे ही टिकट नंबर आपने गलत डाला है जैसा ऊपर है, मतलब मिसिंग है या रॉन्ग है या इनकम्प्लीट है, तो भी आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। ये आ जाता है इनवैलिड RN लिखा हुआ है, ये हाइपोथेटिकल आप रोल नंबर डाल देते हैं, जैसे 10 अंक का है, 11 अंक का हो गया धोखे से, या किसी और कैंडिडेट का हो गया, ये सब इस टाइप के रोल नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है? कॉपी पे आपने अंदर कितना भी अच्छा कुछ भी लिखा हो, ये गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिए। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, और जब प्रॉब्लम हो जाती है तब समझ में आता है कि ये मिस्टेक मैंने क्यों की। ध्यान से देख लीजिए पिछली बार जो हुआ है काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ, वो आपके साथ ना हो, ठीक है? आगे नेम, डुप्लीकेट रोल नंबर, सॉरी ये मिस्टेक, नेम नेम मतलब यहाँ पे अपना सही नंबर डालना है तो ठीक होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? ओके नेक्स्ट, यहाँ पे नेम होना चाहिए, सॉरी। और मोबाइल नंबर आपका जो है ये एक्स्ट्रा मतलब कुछ में डालें, मोबाइल नंबर डाल दिया या फिर जहाँ पूछा वहाँ नहीं डाला, ये मिस्टेक हो सकती है, 0 मार्क्स। ये LTI नहीं है आपका, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मिसिंग है, मतलब आपने थंब इम्प्रेशन नहीं लगाया हुआ है, तो भी आपके 0 मार्क्स। और लास्ट है लैंग्वेज सिलेक्शन, इसमें आपने अगर लैंग्वेज सही नहीं लिखी है या लैंग्वेज नहीं लिखी है
तो आपको मिलते हैं 0 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, ये इन सब के अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ जो अक्सर मिस्टेक जो पिछली बार होती है, कुछ टिप्स क्या रहेंगी। जैसे सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो टॉपिक आता है, टॉपिक हम लोग कैसे लिखें, हम लोग लिखना एकदम स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी टॉपिक उठाएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये तरीका नहीं है, इससे आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले SSC CHSL Tier 2 में। एक प्लानिंग होती है, सबसे पहले आप देखिए कि क्या पॉइंट पूछा गया है। पॉइंट के लिए आप रफली आप 2 मिनट अपने बर्बाद बर्बाद कीजिए ताकि आपका आपका आधा घंटा अच्छा जाए, मतलब आप जो लिख रहे हो वो अच्छा जाए। आप अपने 2 मिनट बर्बाद कीजिए उसमें, देखिए सबसे पहले आप रूपरेखा बनाइए, आपको निबंध आता है कितना आता है, अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए, सोचिए कि आपको उपसंहार में क्या लिखना है, क्या आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, क्या बॉडी पार्ट में लिखना है। इंट्रोडक्शन के लिए आप वर्ड डिफाइन कीजिए, इतने वर्ड में मेरा हो जाएगा, ये मैं चीज़ें डालूंगा। आप सीधा इंट्रो डाल दीजिए और आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, मेन मेन चीज़ें। एग्जाम्पल, जैसे हमें विमुद्रीकरण पर लिखना है तो हमने डाल दिया इंट्रो और उसमें विमुद्रीकरण की डेट लिख ली है कि इस डेट को हुआ था, और विमुद्रीकरण की परिभाषा लिख ली है, तो आगे लिख लिया डेट कॉमा परिभाषा और कॉमा ये प्रधानमंत्री द्वारा ये हुई। ये आपने 3 चीज़ें डाल दी तो आपका आपने समझ लिया कि हाँ इंट्रोडक्शन इतने में हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे बॉडी पार्ट में, हम लोग लिखेंगे। अब आपने बॉडी पार्ट डाला, सामने लिख लिया कि पुराने समय का हमें डिटेल देना है, मतलब उसके बाद इस बार इसके इम्पैक्ट क्या हुए ये लिखेंगे, इस अगर जितना आ रहा है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए, और फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसमें सुधार क्या हो सकते हैं, ये आपने डाल दिया बॉडी पार्ट में। फिर लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे कि आपने जो निबंध लिखा हुआ है उसका ओवरऑल क्या बना। ऐसे करके आप पॉइंट बना सकते हैं, स्टेंजा बना सकते हैं, और उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्री प्लान तरीके से लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर दूसरी बात लेटर की है, मैंने निबंध के बारे में आपको रफली बता दिया हुआ क्योंकि उसके बारे में कोई ऐसा कोई फॉर्मेट वगैरह है नहीं। लेटर का स्ट्रक्चर है, लेटर को भी हमेशा लेफ्ट रहना है आपको, रेगुलर कॉमा यूज करने हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ यूज करने हैं, हर जगह नहीं यूज करने हैं। ठीक है, डेट का फॉर्मेट आपका क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड होने चाहिए लेटर में, ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए सिंपल, एकदम सिंपल वर्ड्स हैं और आपके मजेल से वर्ड हैं वो नहीं होना चाहिए, अच्छे वर्ड होने चाहिए लेटर का। डोंट ब्रेक द फ्लो, लेटर का फ्लो नहीं टूटना चाहिए, जो बात आप कह रहे हो वो पूरी कंप्लीट करके ही पैराग्राफ चेंज करना। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा करो कि आधी बात लिख दी, पैराग्राफ चेंज कर दिया, बात अटक रही खुद में, तो वो सही नहीं है। नेक्स्ट, डोंट यूज पोएम लाइक स्टेंजा, लेटर में कभी पोएम जैसा स्टेंजा यूज नहीं करना चाहिए, नुकसान दे जाता है। कमांड ओवर लैंग्वेज होनी होनी चाहिए, और डोंट मेक इन डिटर्मिनेट सेंस, ऐसा सेंस नहीं बनना चाहिए जिससे आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या लिख रहे हो, मतलब बात गोलमोल हो रही है, वैसा कुछ मत लिखना। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, आपको पता होगा शायद कि राइट हैंड पे सब सब कुछ लेफ्ट हैंड पे रहता है। यहाँ पे हम लोग अपना वो लिखते हैं कि कहाँ से कहाँ पे पता लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, एक लाइन गैप देते हैं और फिर उसके बाद डेट डालते हैं। यहाँ पे दिनांक लिखना जरूरी नहीं है, सीधा इस पहले ब्रैकेट लिखे 24 जनवरी, 2018 इसमें लिखेंगे, फिर एक लाइन गैप देंगे, उसके बाद जिसको भेजना है मतलब रिसीवर एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे लाइन गैप देके और सब्जेक्ट डाल के अपना शुरू कर देंगे काम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके ओके, नाउ आगे की बात है आपकी कि ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा, और भी कोई पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है तो आप यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। इस वीडियो को मैंने इसलिए डाला हुआ है कि ये जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं ये ना हो, एक बार देख लोगे तो कुछ दिमाग में रहेगा, अगर नहीं देखोगे तो हो सकता है कि कोई कॉमन मिस्टेक आपसे हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने आगे पहुँचे हो आप, 143 जैसी कट ऑफ को क्रॉस करके आगे पहुँचे हो, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो जिससे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे काफ़ी टाइम तक। तो ये सब चीज़ें देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, फेसबुक ग्रुप्स पर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है। मेरे चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो क्योंकि मैं एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ ऐसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।